जारी रह चुकी है, तो थोड़ा सा फॉरवर्ड आ चुके हैं गॉड लाइक नियो की तरफ से, थोड़ा सा फॉरवर्ड आने की कोशिश नियो के तरफ से विजार्ड के, यहाँ पे काफी क्लोजिंग दोनों के बीच में निकाल लेंगे शॉट कनेक्ट करने की कोशिश नियो को, यहाँ पर डाउन अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी है, क्लच गॉड एक अकेला प्लेयर बचा हुआ है, गॉड ने यहाँ पर नेट का इस्तेमाल किया, उनको लगा कंटेनर के ऊपर थे बट शॉट गन के साथ में वो शॉट कनेक्ट किया, आई थिंक सो शॉट गन था या फिर यूएमपी के साथ में वो शॉट कनेक्ट किया, जो कि विजार्ड की तरफ से फाइनली गॉड लाइक की टीम को पूरा का पूरा फिनिश आउट दे चुके हैं। यूएमपी का वो फाइनल वाला शॉट उनके लिए काफी गलत था, शैकी बैठे हुए हैं, एनिग्मा की टीम भी परफॉर्म दे रही है, मतलब चल रहा है शैकी की तरफ से भी परफॉर्म। गॉब्लिन की तरफ से बात की जाए तो ये मॉली यहाँ पे जरूर से थ्रो किए गए, इतना फायदेमंद होगा नहीं, ओमेगा भी होगा जल रहा है भाई वो बंदा दिए जाएंगे, तो अब पूरी जिम्मेदारी गॉब्लिन के ऊपर आ चुकी है। सर्कल अब देखिए एक और सेंट्रल शिफ्ट यहाँ पे ले चुका है, जहाँ पे सारी टीमें लगभग सर्कल के बाहर है, कुछ प्लेयर सर्कल के एजेस पे अपने आप को देख पा रहे हैं, लेकिन गॉब्लिन के लिए यहाँ से सर्कल इन करना आई थिंक मुश्किल कर लेगा गॉब्लिन, ज्यादा नामुमकिन जैसे मैंने बताया, बहुत कम इजी चले जाएगा जोन में, टॉप 3 तो आएगा गॉब्लिन दिखा दे, ओमेगा के कॉल्स के साथ शायद ये पॉसिबल हो। सामने आप देखिए ऑरेंज रॉक वापस से बेहतरीन प्रदर्शन का नजारा, वो टॉप 3 है, इजी टॉप 3 है गॉब्लिन, में ऑरेंज रॉक टॉप 5 आ रही है, इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, फिनिशेज भी निकालते हैं, पोजीशन पॉइंट भी निकालते हैं, लेकिन मेरा थोड़ा सा यहाँ पर नजर लग जाता है वो अलग बात है, जेली द आईजीएल यहाँ पे डाउन हो चुके हैं, जेली मिल जाना चाहिए आई थिंक वेक्सी के एंड से, जो की शायद नहीं मिल पाया यहाँ पे, वेक्सी वहाँ पे कुछ नहीं कर पाए और एलिमिनेट कर दिए गए, मीनवाइल मैक्स का प्ले जोन से यहाँ पे हो गए टॉप 3 हो गए, लेंगे एनिग्मा भी 11 फिनिशेज अभी तक निकाल चुके और कुछ नहीं बोल सके गॉब्लिट अमेजिंग यहाँ पे रोटेशन देखिए कितने स्मार्ट स्मार्टली यहाँ पे आ चुके, लेकिन मॉनिमेंट का बैटल रहेगा, ये एरिया आपको चाहिए तो प्लेयर को डाउन करना पड़ेगा, और चलिए एनिग्मा के साइकिल कॉलमेट कर चुके सामने से, रिक्स को भी डाउन करेंगे क्या, एक 1v3 यहाँ पे क्लच कर सकते हैं, एग्जैक्टली चांस बहुत ज्यादा हाई डैमेज प्लीज उनका मिलेगा, और गॉब्लिन एंगल यहाँ पे हल्का सा चूक गए क्योंकि उनको प्लीज उनका भी डैमेज था, प्लस यहाँ पे अंदर सर्कल में जाने की कोशिश, बट नो डाउट क्या परफॉर्मेंस यहाँ पे उनके एंड से हमें देखने को मिला, जाते जाते एनिग्मा को कंप्लीट बैकफुट पे डाल दिया, ऑरेंज रॉक के लिए ये मैच मानो काफी आसान हो सकता है।